आज हम देखेंगे क्यूब रूट निकालना। आपको 4 सेकंड में क्यूब रूट निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हमको ये टेबल याद होने चाहिए, नंबर और क्यूब, उनका क्यूब। एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 314, 8 का 512, 9 का क्यूब 729। अब हम देखते हैं कि 3 नंबर ये हमारे पास है, ये 3 डिजिट 1, 2, 3, इनका हम क्यूब रूट 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। इधर पे ये 10 से आने की दहाई का अंक होगा, इधर पे इकाई का अंक आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट इसका 2 है, और ये जो हमारा टेबल है इसमें जो क्यू वाला कॉलम है इसमें हम देखते हैं कि 2 कहाँ आता है। ये देखिए, ये आ रहा है 2, 512, 512, तो इसका क्यूब होता है 8, तो हमारा जो यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 8। ये 8 हो गया, 8 लिख दिए हैं। इसके बाद हमारा ये जो है, हम ये 3 डिजिट को छोड़ देंगे, बाकी के हमारा 3 डिजिट 3 अंक बचता है 474। इसको हम देखते हैं टेबल में, टेबल में हम इस प्रकार देखेंगे 474 यानी कि 474 कहाँ आ रहा है। ये 512 है, इसके पहले, इससे कम वाला हमको लेना है, ठीक है। 474 कम है 512 से, इसलिए हम ये लेंगे 343 वाला। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो इसका क्यूब होता है, क्यूब घनमूल होता है, 343 का घनमूल होता है 7। तो ये हमारा इसका 10 से आने की दहाई का डिजिट हो जाएगा 7, और इसका 4,74,552 का क्यूब रूट हो गया 72। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम अगला डिजिट देखते हैं हमारा 4,21,875, इसका हम यूनिट डिजिट देखते हैं। ये 5 है, हमारे टेबल में देखते हैं 5 कहाँ आ रहा है। ये देखिए, ये आ रहा है 125, इस कॉलम में 125 में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो इसका 125 को लेंगे, इसका क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 5, घनमूल मतलब। तो ये हमारा यूनिट अंक हो जाएगा 5। फिर हमने ये 5 को छोड़ा, और ये 3 डिजिट को हम छोड़ देंगे, हमारा शेष डिजिट बचा 421। ये 400 हमारा 21 बचा, 421 को हम देखते हैं टेबल में, ये 421 हमारा कहाँ आएगा। ये भी 512 से कम है, यानी कि हमको ये वाला कॉलम लेना है, 343 वाला। 343 का घनमूल होता है, क्यूब रूट होता है 343 का 7, तो ये 7 लिख देंगे। तो हमारा इस ये वाला जो डिजिट है इसका क्यूब रूट हो गया 75। इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, थर्ड वाला हमारा डिजिट जो है इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 2 है। तो हम अपने टेबल में देख लेते हैं कि 2 कहाँ आ रहा है, ये 2 ये आ रहा है 2, 512 में। तो इसका हम इसका क्यूब रूट होता है 512 का 8, तो हमारा ये थर्ड डिजिट में इसका यूनिट क्यूब रूट का यूनिट डिजिट इकाई अंक हो जाएगा 8। अब हम इसी प्रकार इसके 3 डिजिट को छोड़ देंगे, ये इसको छोड़ दिया हमने, तो हमारा शेष बचा 195। अब इसको हम हमारा दहाई का अंक निकालने के लिए उपयोग करेंगे। अब 195 कहाँ आएगा, 1, 2, 3, ये 216 से कम, तो हम इसको छोड़, ये ज़्यादा है इसको छोड़ देंगे, इससे कम वाला लेंगे। ये 195 से ज़्यादा है, ये कम है, तो कम वाला हम लेंगे 125। इसका क्यूब रूट होता है, घनमूल होता है 5। तो ये हमारा दहाई या टेंथ का डिजिट हो जाएगा 5। इस प्रकार हमने देखा कि हमने कितनी जल्दी और अच्छे तरीके से इनका क्यूब रूट निकाल दिया। इसका क्यूब रूट घनमूल हुआ 78, इसका घनमूल हुआ 75, इसका घनमूल हुआ 58। इसी प्रकार से आप भी करके देख सकते हैं ये तरीका।
धन्यवाद। इसमें हम केवल 4, 5 या 6 डिजिट के जो डिजिट अंक रहते हैं उनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, यानी कि पूर्ण घनमूल निकाल सकते हैं। वो भी पूर्ण घनमूल होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।